क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन बाकी हैं पहले मैच में, तो मयंक ने बोला है कि अगर दमदार प्रैक्टिस नहीं है और पसीना नहीं निकलेगा जिसका, उसको एंट्री नहीं मिलेगी हमारी टीम में। और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं सारे के सारे, जैसे आप देख रहे हैं, तो बहुत सख्त कंपटीशन फ़िलहाल तो हमारी टीम में ही अभी फ़िलहाल चल रहा है। देखो असलम भाई, बहुत क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकली करेक्ट बोल रहे हैं। मयंक ने ये नहीं बोला कि एंट्री नहीं मिलेगी, मयंक ने बोला है जो प्रैक्टिस नहीं करेगा पसीने निकलेगी, एंट्री मिलेगी पर उसको चेयर लीडर्स क्या नचाया जाएगा पूरे मैच में हर चक्के चौके पे और पूरी कोई गेम निकला जाएगी, इसलिए सब लोग बड़ा पसीना बहा रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। जीत हार का तो बात की बात है, लेकिन हम प्रूव कर देंगे कि इस बार राउडी बैंगलोर ने बहुत मेहनत की है। और जो भी लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा राउडी बैंगलोर ऐसे, वो कहेंगे राउडी बैंगलोर ऐसा भी कर सकती है, वैसा वाला प्रूव करना हमें। और ये हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आके प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, सब एक्टर्स हैं और अपना सब शेड्यूल्स चेंज करके सब क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं। ये प्रूव करना है कि यस वी कैन डू इट एंड वी कैन डू लाइक बैंग ऑन। हमने देखा बॉलिंग आप बहुत ही अच्छा करी, मतलब रुक रुक के आपके बॉल आ रहे थे, बहुत ही टफ खेलना है, मतलब आपको खेलना बहुत ही मुश्किल है, मैंने देखा आप रुक के बॉल क्या ना। लड़कियों को लोग सोचते हैं कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं, एक्चुअली लोगों का ये माइंडसेट सेट है। पर टचवुड, मैं आई एम लर्नर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी बॉलिंग कराती हूँ, मैं बहुत अच्छी बॉल नहीं कराती हूँ। ये हमारी टीम की सबसे डेडिकेटेड प्लेयर है। मैं लर्नर हूँ और मैं सीख रही हूँ दिन ब दिन। आज मैंने देखा मैंने एक भी वाइड नहीं दी, एक भी नो नहीं दी, 6 की 6 डॉट बॉल दिए, तो यस मुझे लग रहा है कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ।